हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि जो वॉइस मैंने इसमें की थी वो पास पड़ोस में कोई कीर्तन हो रहा था तो उसकी सारी आवाज़ मेरे यहाँ आ गई, तो फिर मैंने वापस इसमें वॉइस ओवर की है। तो ये ट्राइपॉड मैंने मंगवाया है अमेजोन से और ये बिल्कुल मतलब पक्के वाला है। वैसे मेरे पास थे, इतने सालों से मैं बना रही हूँ वीडियो तो थे भी मेरे पास, लेकिन वो थोड़े कमज़ोर से थे और वो जल्दी ही टूट गए। तो कम से कम मैं 2 ट्राइपॉड पहले मंगवा चुकी हूँ और ये मैंने अब की बार मंगवाया है। तो ये मतलब लॉक है इसमें, तो लॉक ऐसे खुलते हैं और ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो 3 लॉक हैं इसमें और हम इसकी हाइट को काफ़ी लंबा कर सकते हैं। कहीं भी रख के हम वीडियो बना सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। हमें रेसिपीज़ बनानी है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, और यदि हमें दूर खड़े होकर कोई वीडियो बनानी है तो इसको हम दूर भी रख सकते हैं, और लंबाई में वीडियो बनानी है तो भी हम इसको पूरा खुला करके वीडियो बना सकते हैं। तो ये सारे लॉक खोल के और फिर इसको हम खड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लॉक खुले हैं और ये इतनी हाइट का है, और भी लंबी हाइट हो जाती है। एक बटन यहाँ पर भी लगा हुआ है, इसको हम अगर ढीला करते हैं तो ऊपर और ये लंबा हो जाता है। ये देखिए और भी लंबा हो जाएगा और मतलब हमें कितनी भी लंबाई में वीडियो बनानी है तो इसे हम लंबा छोटा बड़ा वैसे कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना मोबाइल लगा सकते हैं, आड़ा मोबाइल यूँ लग जाता है। यदि हमें रेसिपी बनानी है तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं, हमारी रेसिपी इस तरह से बन जाएगी नीचे से। मतलब जो भी रेसिपी हमें बनानी है उसको हम इसको आड़ा कर लेंगे, उसके बाद हम सामने से अगर वीडियो बनाते हैं तो, और आड़ी मतलब लंबी वीडियो बनानी होती है, लंबा मोबाइल लगाना होता है तो हम ऐसे करके लगा सकते हैं। तो ये हर तरह से सुविधाजनक है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। 1199 यानी 1200 का ही समझिए आया है ये, और बस यूट्यूब की कमाई से तो ही मैं पसंद की चीज़ें ले लेती हूँ। और मुझे बनाने सावक, जो कि मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सावक, लेकिन मैं इसकी नई रेसिपी बना रही हूँ जो मेरी खुद की रेसिपी है। मैंने इसको कहीं नहीं देखा है, कोशिश कर रही हूँ, अगर बन जाती है तो खराब बनेगी तो भी आप लोग हमारे ही हैं, अपने ही हैं, और अच्छी बनती है तो आप भी बना के देख लेना। तो मैं बना के देख रही हूँ, पहले इसको धो के 5-10 मिनट भिगो देती हूँ। मेरी किचन अभी बहुत मैसी हो रही है, तबीयत बहुत खराब थी इसलिए किचन की तरफ ध्यान न दें, कल किचन को बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। अभी मेरी किचन बहुत गंदी हो रही है तो इसको धोकर 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भिगोती हूँ। मैं इसे धोकर और थोड़ा सा भिगोकर पीस लूंगी मिक्सी में। उसके बाद सोच रही हूँ कि इसमें मैं आलू कस के डाल दूँ, हरी मिर्च डाल दूँ, क्योंकि एकादशी में और कुछ खा नहीं पाते हैं, और सोच रही हूँ कि मूंगफली भी डाल दूँ रोस्ट करके, और मूंगफली भी डाल दूँ तो देखते हैं कैसा स्वाद बनता है। पहली बार बना रही हूँ, ये मेरी खुद की रेसिपी है। इसको मैं 2-3 पानी से धो लूँगी, बहुत मिट्टी होती है, नहीं तो हम इसे सूखा भी पीस सकते थे, लेकिन इसे धोना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है और किरकिर आती है जब हम बनाते हैं। तो इसको 2-3 पानी से धो के और भिगो दूंगी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के भिगो दूंगी, और उसके बाद मैं दूसरी तैयारी करती हूँ। तो देखिए दूसरी क्या तैयारी करती हूँ, पानी थोड़ा और डाल देती हूँ और फिर मैं आलू की तैयारी करती हूँ। आलू छील के और फिर इनको घिया कस में कस दूंगी। तो आलू मैंने धो लिए हैं, एक बार धो लिए और इनको कसने के बाद भी धो लूँगी, और इसका स्टार्च है ना जो पूरा निकाल दूँगी, उसके बाद ही इनको मतलब सावक में मिलाऊँगी। तो जो जो आलू कसें तो उसी वक्त पानी में डाल दें, नहीं तो एकदम ये लाल पड़ जाते हैं, काले लाल पड़ जाते हैं। तो मैं इनको पानी में डालती जा रही हूँ
और इन छोटे आलूओं को भी काम ले लूँगी, क्योंकि हाथ कटने लगता है फिर। तो इसका सारा स्टार्च मैं निकाल दूँगी और उसके बाद मैं एक बार सावक को मिक्सी में पीस लूँगी और पहले रोस्ट कर लूँगी मैं ये मूंगफली। तो सभी तैयारी एक साथ कर लूँगी, उसके बाद ही काम शुरू होगा। तो थोड़ा सा हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट, मतलब कुछ भी नहीं डालना इसमें, तेल घी कुछ भी नहीं डालना है। तो ये हो चुकी है रोस्ट और अब ठंडी करके फिर मैं इनको सावक में डाल लूँगी। तो सावक का पानी निकाल दूँगी, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वैसे भीग चुके हैं और एक हरी मिर्च इसमें डाल दूँगी और उसके बाद मैं मूंगफली भी डाल दूँगी। मूंगफली डालने के बाद इसको पीस लेंगे हम मिक्सी में। थोड़ा नमक वगैरह साथ में ही डाल दूँगी, तो सेंधा नमक डालता है एकादशी में। और ये काली मिर्च जो मैंने पीस के रख रखी है और ये डाल के और हम इसको पीस लेंगे मिक्सी में। बिल्कुल पतला घोल कर लेंगे, एक बार में नहीं होगा तो दोबारा कर लेंगे। तो ये बस मिक्सी में करने के बाद बिल्कुल पतला सा घोल हो जाएगा। मूंगफली भी मैं डाल रही हूँ और इसके बाद पीस लेते हैं। तो मिक्सी में सारी चीज़ें एकदम मिक्स हो जाती हैं, इसलिए हम इसको मूंगफली वगैरह सारी मिक्स हो जाएंगी। थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। सब चीज़ों को पीस लिया है, सावक, मूंगफली रोस्ट की हुई, हरी मिर्ची, काली मिर्ची, सेंधा नमक। अब हमें ऐसे रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है क्योंकि अभी हम आलू मिलाएंगे इसमें, फिर देखते हैं यदि पानी की जरूरत हुई तो मिलाएंगे। तो आलू का सारा स्टार्च निकाल दूंगी मैं एक बार, इसमें बहुत स्टार्च होता है तो ये निकाल दूं, फिर इसमें मैं मिलाऊंगी। मसाले हमने मिला लिए, एकादशी में ये मसाले डलते हैं। तो कसे हुए आलू मैंने दो तीन बार धो लिए हैं और इसका सारा पानी निकाल दूंगी, नहीं तो हमारा पतला ज़्यादा हो जाएगा घोल, इसलिए आलू का जो पानी है वो सारा निकाल दूंगी। और मैंने धो दिए हैं इनको, इसके बाद हम देखते हैं कि ये घोल कैसा बनता है। इसमें दही और डालेंगे। तो ये थोड़ा सा घोल मोटा है, इसमें थोड़ा दही डाल लेंगे तो स्वाद भी आ जाएगा और हमारा जो चीला है इसका वो और भी जालीदार बन जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा दो तीन चम्मच दही डाल देती हूँ और सभी चीज़ें मैं अंदाज से करती हूँ, तो मेरा अंदाज सही जाता है क्योंकि बहुत साल हो गए काम करते हुए। तो जब हमने खाए थे तो ये बहुत ही अच्छे बने, इनमें नमक वगैरह सब बराबर था। अब मैं तवा चढ़ा देती हूँ और इसको गरम कर लेते हैं। तवे को गरम करके थोड़ा सा घी लगा लेंगे क्योंकि एकादशी में घी में ही सब कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ा सा घी लगा के और इसको चीले की तरह फैला देंगे। मैं पहली बार बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटे छोटे बनाए एक बार, और अगली बार बनाऊँगी तो फिर इसको बड़ा फैला दूँगी। थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि बनेगा या नहीं बनेगा, जब कोई चीज़ हम पहली बार करते हैं तो ऐसा लगता है कि बनेगा या नहीं, लेकिन बन गए थे और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। तो इसके बनने के बाद मैं एक चटनी बनाऊंगी, केले के छिलकों की चटनी बनाऊंगी, वो भी मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैं पहली बार बना रही हूँ और दोनों ही अच्छी बन गई थी, क्योंकि ये ब्लॉग आज अपलोड होगा और कल मैंने ये खाना बनाया था। तो ये देखिए ये चीला कितना अच्छा बन गया। अगली बार इसको डोसे की तरह बनाएंगे, पतला बनाएंगे तो हो सकता है कि ये डोसे की तरह बन जाए। तो ये बने भी बहुत जल्दी थे, फटाफट बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और इनको बना के मैंने फिर दूसरी तैयारी कर ली। तो केले के छिलके मतलब रख लिए थे आज, मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर आज इसकी चटनी बना के देखूंगी। बस सुना ही सुना था कि केले के छिलकों की चटनी बनती है, तो मैंने बनाई कभी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अब बना के देख लेते हैं। तो मैंने आज छिलके रख लिए थे, सुबह व्रत था तो मतलब केले खाए थे तो छिलके रख दिए। अब उनको मैं धो के साफ़ करके और उनकी चटनी बना के आपको बताऊँगी। तो ये चीला भी हमारा लगभग तैयार है और
काफ़ी कुरकुरे बने थे, मतलब गरम अगर इन्हें खाएं तो एकदम कुरकुरे बने थे। तो मैं चटनी के लिए मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ। तो हमारे जो सावक के या भंगूर कहते हैं आप क्या कहते हैं उसके जो चीले हैं वो तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, और दो बन चुके, और भी बनाऊंगी मैं। ये देखिए दो तैयार हो चुके हैं, और आज मैं सभी चीज नई बना रही हूँ। तो सुबह हमने केले खाए थे और मैंने छिलके रख लिए थे, और इनको धो लूंगी साफ, और आज मैं केले के छिलके की चटनी बना रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। ये तो मुझे सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफी कुरकुरे बने हैं। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ केले के छिलके की चटनी की, और इसमें एक और डाल देती हूँ। तो एक चीला और डाल देती हूँ, ये सिकेगा इतनी देर में मेरी चटनी की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको धीमी आंच में सेक रही हूँ जिससे कि अंदर तक सिक जाएगा। तो ये सिकेगा इतने में मैं केले के छिलकों को कट कर लूँगी धोकर, और फिर उसके चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने धो लिए हैं, और आगे पीछे के जो डंठल की तरह हैं वो हटा दूँगी, और बाकी छिलकों को कट कर लेते हैं, छोटे पीस में कट कर लेते हैं, और फिर इसकी चटनी बना लेंगे। तो इसमें भी जो नमक है वो सेंधा नमक ही डलेगा, क्योंकि एक एलर्जी है। तो इसमें मैं सेंधा नमक डाल दूंगी, काली मिर्च डाल दूंगी, हरी मिर्च भी डाल दूंगी, और मूंगफली जो मैंने रोस्ट की है वो डाल दूंगी। तो ये सभी चीज़ डाल के ग्राइंड कर देंगे, और ये चटनी भी बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने इसमें ये जो नारियल का बुरादा है वो भी डाल दिया था, तो चटनी बहुत ही अच्छी बनी थी, और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगी। क्योंकि चीले के साथ कोई चटनी तो ज़रूरी है, जैसे दही हो और एक चटनी हो, और वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने आलू नहीं उबाले, नहीं तो आलू उबाल कर और इन चीलों के साथ भी खा सकते हैं हम एकादशी में, तो हमारा पेट पूरा अच्छे से भर जाता है। तो मैंने नमक वगैरह सब डाल लिया है इसमें, और अब मैं इनको ग्राइंड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, और थोड़ी सी पतली करेंगे इसको, तो एक बार में नहीं होगी, दोबारा फिर करेंगे। अभी देखिए गाढ़ी है और पूरी पिसी भी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और हरी मिर्ची भी डाल देते हैं, नींबू का रस डाल लेंगे, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मैंने भी पहली बार बनाई है, तो आपने भी अगर नहीं बनाई हो तो ज़रूर बना के देखिएगा। मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल दूँगी, और खटाई से हर चटनी अच्छी लगती है, चाहे आप हरे धनिए की चटनी बनाएं, चाहे टमाटर की चटनी बनाएं, कोई भी चटनी बनाएं, तो नींबू का रस तो ज़रूर डालें। आप लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं, पर हम लोग तो नींबू तो खा लेते हैं, नींबू का रस डाल लेते हैं एकादशी में। आप लोग खाते हैं क्या, ज़रूर बताइएगा। तो ये चटनी हमारी बन चुकी है, और बाकी के अब जो इन सावक के चीले हैं वो भी बना लूँगी। तो हमारी थाली की तैयारी हो गई है, एकादशी थाली की तैयारी लगभग हो चुकी है। थाली तैयार है, चीले बन गए हैं सावक या भंगुर के, और दही है, और केले के छिलके की चटनी है। तो थाली लगा के बताती हूँ मैं आपको। तो थाली लगा रही हूँ, और मुझे थोड़ा सा काम लग रहा है, अगली बार मैं इसके साथ ज़रूर आलू उबालूँगी, आलू का मसाला भी इसी तरह बनाऊँगी, केवल उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च वगैरह डाल के, हरे धनिया वगैरह डाल के, और आलू का मसाला भी बनाऊँगी अगली बार में। और ये थाली मेरे बेटे को बहुत पसंद आई, वो बिल्कुल सावक नहीं खाता है, लेकिन वो पूछ रहा था मम्मी किस चीज़ की ये चीले जो हैं वो किस चीज़ के बनाए हैं, तो मैंने बोला सावक के बनाए हैं। तो उसने बोला कि मम्मी ऐसा खाना तो फिर भी खा लूँगा, क्योंकि एकादशी वो भी करता है अपने पापा के लिए। तो ये थाली हमारी तैयार है। तो कैसी लगी आज की थाली आपको, एकादशी थाली सावक के चीले, केले के छिलके की चटनी, दही, और आप चाहें तो आलू उबाल के और उसके मसाले के साथ भी
इसे खा सकते हैं, तो डोसे का स्वाद देगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, आप भी जरूर बना के देखिएगा। आज की वीडियो मिलते हैं।